नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने मुखिया को दी अहम जिम्मेदारी। आपस में जुड़ेंगे बिहार की 6 नदियां। बिहार के सभी पैक्स होंगे कंप्यूटराइज्ड। अगले महीने से काम होगा शुरू। वज्रपात से बचाव के लिए आपदा विभाग ने जिलों को दिया ये निर्देश। अब 17 साल के युवा भी कर सकेंगे वोटर आईडी के लिए आवेदन। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने मुखिया को दी अहम जिम्मेदारी। बाल विवाह और दहेज प्रथा समाज की ऐसी कुरीति जिसे एक बार में नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि सरकार इसको लेकर अहम और ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में दहेज प्रथा और विवाह को लेकर बिहार के मुखिया को बिहार सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में कहा है कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है जिसे दूर किए बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 एवं धारा 47-20 के अंतर्गत क्रमशः ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को महिला एवं बाल कार्यक्रमों में सहभागिता करने का दायित्व सौंपा गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सोनल झा की। सोनल झा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोनल झा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 29 जुलाई 1971 को हुआ था और वह बचपन से ही रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। पटना में उन्होंने 15 साल तक अभिनेत्री और गायिका के रूप में प्रदर्शन किया। सोनल झा बाद में अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली चली गई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद सोनल झा एग्जूट थिएटर ग्रुप के सदस्य बन गई। नादिरा बब्बर जैसी हस्तियों से सीखते हुए और पूरे भारत में कई नाटकों में अभिनय करते हुए आखिरकार प्रकाश झा ने उन्हें अपने भोजपुरी के लिए काम पर रखा, जिसमें उन्होंने बाहुबली की मां की भूमिका निभाई। उन्होंने बालिका वधू में इरावती की भूमिका निभाई। साथ आरक्षण, चिल्लर पार्टी, इश्क फॉरएवर, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा जैसी बहुत सारी फिल्में की। साथ ही बहुत सारी टेलीविजन शो के साथ ही वेब सीरीज में भी अपने अभिनय से सबका दिल जीता है। आज से चलेगी एक और श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक और ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन भागलपुर और सहरसा के बीच चलाई जाएगी। मानसी खगड़िया मुंगेर सुल्तानगंज के रास्ते सहरसा और भागलपुर के बीच एक जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल 05522 या 05521 ट्रेन के परिचालन 29 जुलाई यानी आज से शुरू होगी। यह ट्रेन 29 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगी। 05522 सहरसा भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं सोमवार को सहरसा से 5:45 में खुलकर 9:40 में भागलपुर पहुंचेगी। वहीं 05521 भागलपुर सहरसा श्रावणी मेला स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं सोमवार को भागलपुर से 10:30 में खुलकर 2:10 में सहरसा पहुंचेगी। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। ITBP ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP ने असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के कुल मिलाकर 11 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.itbpolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपस में जुड़ेंगे बिहार की 6 नदियां। राज्य की 6 नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी। इसका सर्वेक्षण कार्य इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यह योजना बनाई गई है। जिन जिलों में नदियों के जोड़ने का काम जल्द शुरू होने वाला है उनमें मुख्य रूप से बेगूसराय, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिला शामिल है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग की अभियंताओं की टीम इस काम में जुटी है। इनमें सबसे बड़ी परियोजना कोसी मेची लिंक परियोजना सहित 5 और ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जिन पर कार्य होना है। बिहार के सभी पैक्स होंगे कंप्यूटराइज्ड। अगले महीने से काम होगा शुरू। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते तेज के बीच अब बिहार के पैक्स भी स्मार्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुल जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के सभी 8463 पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 70% राशि देने की सहमति दी है। वहीं बिहार सरकार को राज्यांश के रूप में 30% राशि खर्च करनी होगी।
अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सभी पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन योजना के अधीन लाने का लक्ष्य है। वहीं निष्क्रिय पैक्सों को भी सक्रिय बनाया जाएगा। कंप्यूटराइजेशन के लिए पैक्स के प्रस्ताव तैयार करने और उसके लिए सॉफ्टवेयर के प्रावधानों पर अगले माह से काम आरम्भ होगा। महान बुद्ध प्रतिमा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह विशालकाय बुद्ध प्रतिमा बौद्ध तीर्थ और पर्यटन मार्गों में से एक बोधगया बिहार में स्थित है। यह बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में 25 मीटर या 82 फुट ऊंची खुली हवा में एक कमल पर विराजमान है। यह बुद्ध प्रतिमा पूरा करने के लिए 12,000 राजमिस्त्रियों को 7 साल लग गए थे। यह प्रतिमा बलुआ पत्थर ब्लॉक और लाल ग्रेनाइट का एक मिश्रण है। यह संभवतः भारत में सबसे बड़ा बनाया गया है और 14वें दलाई लामा ने 18 नवंबर 1982 को पवित्र किया गया था। बुद्ध मूर्ति के लिए नींव पत्थर 1982 में रखा गया था। बिहार के एक सरकारी स्कूल में पत्नी की जगह पति करता है ड्यूटी। अभी तक आपने यह कारनामा देखा होगा कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत में मुखिया के पति उनके जगह पर कामकाज संभालते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस बार एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने ऐसा किया है। मामला कटिहार जिले के खुड़ियाल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंहपुर का है, जिसे सुनकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी हैरत में पड़ गए। जहां महिला प्रिंसिपल मीना खातून के जगह उनके पति मोहम्मद मिस्टर को ड्यूटी करते पकड़ा गया है। इस मामले के बाद सरकारी स्कूल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। जब इस बाबत बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रेनों में महिला यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाओं को लाती रही है। ऐसे में रेलवे ने एक बार फिर से एक नई योजना के बारे में बताया है, जिसमें कहा है कि ट्रेनों में महिला यात्रियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। रेल मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की यात्रा को आरामदेह और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे कई तरह की सुविधाएँ बहाल करने वाली हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ आरक्षित रहेंगी। वहीं गरीब रथ राजधानी दुरंतों के साथ ही वातानुकूलित ट्रेनों में थर्ड एसी में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, जिसमें 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ऐसे में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज्रपात से बचाव के लिए आपदा विभाग ने जिलों को दिया ये निर्देश। इस मॉनसून भले ही बारिश कम हो, लेकिन वज्रपात की वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसको लेकर अब आपदा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके लिए स्कूली बच्चों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं विभिन्न जिलों में तैनात NDRF और SDRF के जवानों को वज्रपात से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का टास्क दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात NDRF और SDRF की 21 टीमों में शामिल सभी जवानों को इंद्रव्रत ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया है। वहीं लोगों को जागरूक करने के इस इंद्रव्रज ऐप के संबंध में जानकारी दी जाएगी और इसके फायदे के बारे में समझाया जाएगा। फाइल में स्पष्ट नहीं लिखे होने की वजह से फैसले लेने में होती है दिक्कत। फाइल पर विभागों के सचिव का साफ साफ मंतव्य या प्रस्ताव के स्पष्ट नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को फैसले लेने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसी परेशानी के मद्देनजर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र लिखते हुए यह निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के पास निर्णय लेने के लिए फाइल भेजे तो स्पष्ट प्रस्ताव दें। फाइल में ऐसा नहीं रहने से निर्णय लेने में कठिनाई होती है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर भेजी जाने वाली फाइल में विभाग के प्रभारी अपने स्तर से आत्मभारित टंकित टिप्पणी लिखें, साथ ही जिस प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए फाइल भेज रहे हो उस प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख करें। अब 17 साल के युवा भी कर सकेंगे वोटर आईडी के लिए आवेदन। देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है, जिसमें 18 साल की उम्र से पहले ही अब युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के अधिकारियों को लेकर निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब 17 साल से अधिक उम्र के बाद साल में वे 3 बार अग्रिम आवेदन कर सकते हैं, जिसमें विभाग ने बताया है कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आवेदन कर सकते हैं। अब युवाओं को 1 जनवरी आने का इंतजार नहीं करना होगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि वोटर लिस्ट हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। पात्र युवाओं का नाम अगले साल की तिमाही में लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि आयोग इसके साथ ही 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान चलाएगा।
24 घंटों में इन जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। बिहार में मौसम को लेकर IMD ने ताजा अपडेट जारी किया है, जिसमें कहा है कि राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। बिहार में रूठा मानसून अब मेहरबान होता दिख रहा है, जो राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, सुपौल, इसके अलावा और जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सूखे के बीच बिहार सरकार ने किसानों को दी राहत। बिहार में इस साल मानसून ने किसानों को खूब तरसाया है। पर्याप्त से कम बारिश होने की वजह से 35 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, साथ ही धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए डीजल की सब्सिडी का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 600 रुपये तक सब्सिडी देगी। धान के लिए अधिकतम 3 सिंचाई तक का लाभ किसान को मिल सकेगा। ऐसे में सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार के कृषि विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी है। एक्शन में बिहार के DGP अधिकारियों को दिया खास निर्देश। बिहार में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बिहार के DGP एक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर पहुंचे DGP SK सिंघल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पुलिसिंग को और अच्छे से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बिहार में पुलिस के द्वारा लोकेट किया गया है, जिस पर NIA की जांच चल रही है। और इस मामले में बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया है और बिहार पुलिस के कई अधिकारी NIA के संपर्क में हैं, जो कि उनकी मदद कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर DGP SK सिंह लगातार जिलों में बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। कर्ज देने के मामले में पहले से आगे निकल गए छोटे और सहकारी बैंक। बिहार में स्थित बैंक शाखा को लेकर यह शिकायत हमेशा से रही है कि यह बैंक लोगों की जमा पूंजी तो बड़े उदारता से लेती है, लेकिन लोन देने में अपने हाथ बांध लेती है। नतीजतन शाखा जमा अनुपात बिगड़ जाता है। हालांकि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में शाखा जमा अनुपात के आंकड़े पेश किए गए हैं। इसके मुताबिक छोटे वित्तीय बैंकों ने कर्ज देने में कमाल का प्रदर्शन किया है। इन बैंकों ने 1,404 करोड़ रुपये का जमा है, जबकि कर्ज अग्रिम मद में 5,440 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यही कमाल सरकारी बैंकों ने भी किया है। सरकारी बैंकों ने 5,178 करोड़ रुपए जमा है, कर्ज अग्रिम मद में 11,691 करोड़ रुपए हैं। यह जमा का 225.79% है। शेरपुर से सारण में दिघवाड़ा के बीच नए पुल निर्माण का रास्ता हुआ साफ। बिहार में पथ निर्माण विभाग लगातार सड़क पुल के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में गंगा पर पटना के शेरपुर से सारण के दिघवाड़ा तक नए पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण प्राधिकरण NHAI ने इस प्रोजेक्ट की निविदा की है। आपको बता दें कि अगले 3.5 वर्षों के भीतर इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शेरपुर दिघवाड़ा पुल अप्रोच रोड सहित 15 किलोमीटर का होगा। यह शेरपुर में 8वें किलोमीटर पर शुरू होकर दिघवाड़ा में 23वें किलोमीटर पर खत्म होगा। ग्रैपलिंग कुश्ती कमेटी के मुख्य संरक्षक बनेंगे IPS विकास वैभव। गृह विभाग के विशेष सचिव व वरिष्ठ IPS विकास वैभव ग्रैपलिंग कुश्ती कमेटी ऑफ बिहार के मुख्य संरक्षक होंगे। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ग्रैपलिंग कुश्ती कमेटी ऑफ बिहार के संरक्षक होंगे। ग्रैपलिंग कुश्ती कमेटी ऑफ बिहार के अध्यक्ष किशले किशोर के अनुरोध पर दोनों अधिकारियों ने सहमति दी है। ग्रैपलिंग कुश्ती कमेटी ऑफ बिहार के महासचिव गौरीशंकर ने बताया कि प्रथम बिहार राज्य सब जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अब 6 से 7 अगस्त तक हाजीपुर में होगा। BJP की ऐतिहासिक बैठक पर राजद का तंज। भाजपा बिहार में ऐतिहासिक कार्यकारिणी समिति की बैठक करने जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब एक साथ 7 मोर्चा की बैठक होगी, जो कि 30 और 31 जुलाई को होनी है। इसको लेकर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सब पार्टी को अधिकार है, सभी जगह जाकर अपना कार्यक्रम करें। BJP के कार्यक्रम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन BJP ने जनता के साथ वादा किया था, उसका क्या हुआ? जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते पूछ रहे हैं कि 19 लाख बेरोजगार कहाँ हैं, डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला? सत्ता में सहयोगी दल को आंख दिखाकर BJP हड़का रही है, BJP जनता की कमाई को लुटा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी 1748 में भारत पहुंची। भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना 1876 में की गई। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में से एक JRD टाटा का जन्म 1904 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म 1931 को हुआ था। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 1891
1893 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का निधन 1996 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन 2003 को हुआ था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी का निधन 2009 को हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री स्नेहमयी चौधरी का निधन 2017 में हुआ और आज ही के दिन विश्व बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विजय नारायण सिंह बने भारतीय साइकिलिंग टीम के मुख्य कोच। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले विजय नारायण सिंह को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय साइकिलिंग टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यह प्रतियोगिता 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है। VNC को भारतीय साइकिलिंग टीम का मुख्य कोच बनाए जाने पर साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव डॉक्टर कौशल किशोर सिंह ने बताया कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है, खासकर साइकिलिंग गेम के लिए। इससे बिहार के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। विजय नारायण सिंह को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने वनडे रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी वनडे सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने वनडे रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में अर्धशतक जड़ने वाले भारत के अन्य बल्लेबाज श्रेयस अय्यर 20 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 100 में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 57 रन देकर 2 विकेट लिए थे और यह रैंकिंग में अभी 97वें स्थान पर हैं। नियमित कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ये दोनों एक स्थान नीचे क्रमशः 5वें और 6ठे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं शिखर धवन इस लिस्ट में 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ FIR। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने वायरल फोटो के लिए लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं लोगों में रणवीर सिंह के इस फोटोशूट को लेकर नाराजगी है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर में रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रणवीर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी के न्यायालय में परिवाद दाखिल की गई है, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने दायर किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रणवीर के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनके तहत उन्हें 7 साल तक की कैद सकती है। उनके खिलाफ IT एक्ट की धारा 67A के तहत भी केस दर्ज हुआ है, जो गैर जमानती है। स्पैम कॉल को ऐसे कर सकते हैं ब्लॉक। हम में से कई लोगों के पास दिन भर में कई स्पैम कॉल आते हैं। ऐसे में आप लोगों के जहन में एक बात जरूर आती होगी कि आखिर में मेरा नंबर इस इंसान के पास कैसे आया। आपने ध्यान दिया होगा तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पर पॉलिसी चेक करने जाते हैं, वहां आपसे मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स मांगी जाती है। आप अपना नंबर दे देते हैं और फिर कुछ देर बाद से आपको कॉल आना शुरू हो जाता है। ऐसा ही लोन और बैंकिंग से जुड़ी सर्विसेज के साथ भी होता है। आप बहुत ही आसानी से स्पैम कॉल्स को ब्लॉक सकते हैं। इसके लिए आपके पास गूगल डायलर या सैमसंग का फोन होना चाहिए। सबसे पहले आपको गूगल डायलर ओपन करना होगा। यहाँ आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग्स में आपको कॉलर आईडी और स्पैम नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको 3 ऑप्शन आइडेंटिफाई, फिल्टर स्पैम कॉल्स और वेरीफाइड कॉल्स मिलेंगे। इन्हें ऑन करके आप ऐसी कॉल्स से बच सकते हैं। बिहार में मिले COVID-19 के 300 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 293 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1487 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 44, अरवल में 2, औरंगाबाद में 2, बांका में 4, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 26, भोजपुर में 4, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 9, जहानाबाद में 3, कैमूर में 23, कटिहार में 3, किशनगंज में 5, लखीसराय में 1, मधुबनी में 5, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 7, पटना में 66, पूर्णिया में 6, रोहतास में 1, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 2, सारण में 4, सिवान में 1, सुपौल में 32 और वैशाली में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,27,742 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 378 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, गोनर शर्मा, अजय कुमार, गौतम कुमार, पृथ्वीराज, रोहित सिन्हा, कविता कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, अश्विनी कुमार, रवि कुमार, अतीक खान, सुरुचि कुमारी और रानी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपदा विभाग द्वारा लोगों को वज्रपात से बचाव के लिए जागरूक करने की नीति से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।